नमस्कार, मैं न्यूज ऑफ महाराष्ट्र के इस भाग में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। क्या हुआ, परसों मैं एक अपने मित्र से मिलने गया था। क्या है, अपने यहाँ रिवाज है ना कि किसी के घर पे जाते तो खाली हाथ नहीं जाते हम लोग, कुछ ना कुछ लेके जाना होता है। वैसे ही उस प्रथा के अनुसार मैं कुछ मीठा और कुछ तीखा, ऐसी कुछ मिक्स चीजें लेके गया। और घर जाने के बाद क्या देखते हैं कि घर में मित्र नहीं, उसकी वाइफ नहीं, बच्चे नहीं, कोई भी नहीं, सिर्फ घर में बुजुर्ग थे, मतलब मेरे मित्र के पिताजी थे और उम्र मेरे हिसाब से 70-75 के आसपास होगी। मेरे मन में एक प्रश्न उठा, मैं गया था किस लिए, अब गप्पे किसके साथ मारूंगा। मतलब फिर भी मैं थोड़ी देर बैठा, गप्पे मारे, तबियत पानी हालचाल पूछा। और मजे की बात बोलते बोलते मेरे दिमाग में आई वो ये है कि छोटे बच्चे आए हुए मेहमानों की थैली में या पर्स में जो उत्कंठा से देखते हैं ना, मतलब क्या लाए हैं खाने के लिए, वैसे ही वो मेरी थैली को देख रहे थे। मतलब हम दोनों जब बातें कर रहे थे उस वक्त, मैंने कहा ठीक है मैं चलता हूँ, ये आएंगे कि दे देना उन्हें। हाँ, ऐसा ऐसा मैं बोल के निकल ही रहा था, तब तक मुझे बोले रुको 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 रुको, जाइए मत। वो जल्दी से उठे, जट से गए, दरवाजा लगाया, मेन डोर लगाया और कहने लगे चलो हम फटाफट खा लेते हैं। मुझे फटाफट इस शब्द का अर्थ समझ में नहीं आया, मतलब फटाफट क्यों खाना है। तो कहने लगे वो बाद में देखते हैं, पहले खा लो, फटाफट खा लेते हैं हम लोग। मैंने कहा फटाफट, मैंने क्या सोचा कि फटाफट इस शब्द का अर्थ दो निवाले उनके पेट में जाने के बाद मैं पूछ लूंगा उनसे। तो वैसे मैंने पूछा कि ये फटाफट मतलब क्या है, इतनी जल्दबाजी में क्यों खाना है। तब उन्होंने मुझे ये कहा कि क्या है कि मुझे डायबिटीज है, इसलिए लड़का और बहू दोनों ही मुझे कुछ मीठा खाने नहीं देते, खुद भी नहीं खाते, और अगर कभी बाहर से कुछ ले आए तो विदाउट शुगर, शुगर फ्री, ऐसा ही कुछ लाते हैं। अरे गुलाब जामुन खाने वाला आदमी मैं, हैं? गुलाब जामुन खाने की प्रतियोगिता जीती है मैंने, और आज अगर गुलाब जामुन का नाम भी ले लिया ना मैंने तो लड़के को शुगर हो जाएगी, ऐसी परिस्थिति आ गई है। और अब एक काम करो प्रशांत, समझो दरवाजा बजा, बेल बजी, तो मैं ऐसे बताऊंगा कि प्रशांत ने मुझे फोर्स किया इसलिए मैंने ये सब खाया। तो वो गुलाब जामुन जो मैंने खाया था वो यहां अटक गया, कैसे भी करके मैंने उसे निकला और अपना सामान समेटकर वहां से निकल गया। मुद्दा क्या है, मुद्दा यह है कि व्यंजन ऐसे दिखाने चाहिए या ऐसे करने चाहिए कि घर में हर किसी को वो उतनी ही लज्जत से खाने आने चाहिए। और ऐसे ही व्यंजन दिखाने के लिए मैंने यहाँ मंजरी फड़के को आमंत्रित किया है, हम उनका स्वागत करेंगे। मंजरी, तहे दिल से आपका स्वागत। नमस्कार। कहाँ रहती हैं आप? पुणे में। पुणे में? हाँ। पुणे अभी बहुत ही विकसित हो गया, पुणे में एग्जैक्टली कहाँ? आपको डेक्कन जिम खाना पता है? डेक्कन जिम खाना पता है मुझे, पता है ना। हाँ, मैं कमला नेहरू बाग के पीछे ही रहती हूँ। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके। और घर पे कौन कौन है? मेरे दो भाई हैं, माँ, पिताजी और मेरे दो डॉगीज। बराबर। ओके, भाई क्या करते हैं? एक नौकरी कर रहा है और एक पढ़ रहा है। बराबर। और आप क्या करती हैं? मैंने बीएससी किया है लेकिन फिलहाल मैं संगीत की क्लासेस लेती हूँ। अरे वाह। हाँ। संगीत किनसे सीखा है तुमने? मैं वीणा सहस्रबुद्धे जी। क्या बात है। हाँ। कितने साल सीखी? वीणा ताई के पास मैं सीख रही थी 5-6 साल। हाँ। लेकिन अब मैं जयश्री रानाडे जी से सीख रही हूँ। ओके, मतलब बकायदा शास्त्रीय संगीत का। हाँ, शिक्षण लिया। हाँ, 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 हाँ। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। और कितने बच्चे सीख रहे हैं? लगभग 40। 40? हाँ, बच्चे मतलब सिर्फ बच्चे नहीं तो? बच्चे, बड़े बड़े बुजुर्ग महिलाएं। ओके ओके। हाँ। ओके ओके। अच्छा, अब ये आपके संगीत के क्लासेस तो शुरू ही है। हाँ। पहला व्यंजन जो बनाया उसके बाद आपने जो व्यंजन खुद से बनाया और आप खुश हो गई उस व्यंजन पर, ये बना, ये बात हुई, ऐसा? हाँ, कोई मतलब कभी समझो आप कोई एक चीज पेश करती हो तो कहते हैं ना कि आज जमनी चाहिए। हाँ, वैसी ये महफिल कौन सी जमी आपकी कोई एक व्यंजन की? ट्राइफल पुडिंग। कौन सी? ट्राइफल पुडिंग। ट्राइफल पुडिंग, ट्राइफल पुडिंग मतलब नीचे केक का बेस, फिर उस पर फल। अच्छा, फिर क्रीम। ओके। कस्टर्ड का, फिर जेली और फिर आइसक्रीम। मतलब बनाते ही रहो उसे और खाते भी रहो। खाते भी रहो।